यार किने को कमरा अभी जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए कि आपके पास अगर पैसे कम है तो आप किस तरह ट्रैवलिंग कर सकते हैं। आप दोस्तों ये है जी लॉस एंजलस। ये दोस्तों लिफ्ट आ गई है, यहाँ से कार्ड लगा देंगे। $50-60 का आपको मिल जाता है। ये ज़रा मैंने अच्छा लिया है, शवारमा ऑर्डर किया है। देखो अभी शवारमा कैसा बनाते हैं यार। 3 घंटे लग गए दोस्तों, इतना वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ की ना। हॉस्टल है ये वाला, फ्री हैंड। यहाँ से देखते हैं दोस्तों, भूख लगी है, हर चीज़ मज़ेदार लग रही है, खाइयो। अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह तो पड़े नहीं यार। Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody and stained from the people who. दोस्तों ये है जी अपना हॉस्टल, काफी अच्छा बनाया है। यहाँ से जाएंगे, ये मुझे दे दिया उसने 1310 यार, 13वां फ्लोर है। कहाँ से, यहीं से जाना होगा दोस्तों। इन्नी उत्ते इन्हें मनु कमरा देता, 13वां फ्लोर यार, ज़्यादा ही नहीं उत्ते देता यार इन्हें, कि आसमान से गल्ला करनी है ना यार। 13वां फ्लोर है जी यार, किन्ने को कमरे ने, बहुत बड़ा है इन्ना बड़ा हॉस्टल केड़ा यार। 13-10, 13-18 बहुत बड़ा है यार दोस्तों ये हॉस्टल है ना यार। वो सस्ते भी हैं लेकिन ये वाला थोड़ा महंगा ही मिला, क्योंकि टाइम कम था ना, कल ही तो बुकिंग की है, सारा कुछ कल ही किया है। अभी इसके बाद आगे किधर जाना है उसका भी नहीं पता, वो भी बाद में पता करेंगे, अपने मूड पे डिपेंड करता है दोस्तों। घट दे जाते पे नंबर यार, 13-10-9-12 इतने की आ गया, 13-15, 13-16, 4 इधर उधर मैं वेखी जाना, मैं सामने 13-10 वेख होना। चलो जी अंदर चलते हैं, वाह यार इतना साफ। इधर अपना बेड लगी है यार, मैं कल्ला ही आई थे, क्या बात है, कोई और है ही नहीं। क्या प्रोटोकॉल मिले उन्होंने, पता लग गया यार बंदा यूट्यूबर है। पहला, तीसरा, चौथा, ऐ जो दोस्तों अपना बेड यार, अंदरों भी तुम विखा दी है लेकिन कमरा तो कला यार। तो दोस्तों तुम टूर एक करवा दें, ये है जी बाथरूम। अच्छा बाथरूम इतने देते हैं, ये है नहाने के लिए दोस्तों। ये बत्ती चल गई, तेज़ हो जाती दो दफ़ा दबाओ तो बंद कितना होनी नहीं दोस्तों, चलो चलती रहने दें। ये नहाने के लिए और ये वॉशरूम यूज़ करने के लिए। वाह यार मज़ा आ गया दोस्तों, सब तो वड्डी गल कि मैं कल आए थे एडे वे कमरे च, बाकी बंदे देखो किधर आने या ना ही आने तो चंगी गल है। इधरों व्यू चेक करो यार, एले का व्यू देखो, व्हाट ए व्यू गाइस। दोस्तों चेक करें यार व्यू देखें दोस्तों, ये है जी लॉस एंजलस डाउनटाउन, व्हाट ए व्यू मैन, व्हाट ए लवली व्यू। तो दोस्तों ये अपना कमरा है यार, ये वाली अलमारी भी मेरी है, इसके अंदर देखें टॉवल भी रखा हुआ उन्होंने पहले ही,
मैंने पता है कि बंदा टावल लेकर नहीं आया होगा। बेड भी अच्छा है, सही है। हॉस्टल है, फ्री हैंड हॉस्टल का नाम है दोस्तों। ये लॉस एंजलिस डाउनटाउन में है। यार लाइट तेज करनी है, कितों होगी तेज ही होगी, लगा 50-60 डॉलर का आपको मिल जाता है। ये ज़रा मैंने अच्छा लिया है, नहीं तो 30-40 डॉलर में भी मिल जाता है। वहाँ कूलिंग सिस्टम, यहाँ से गर्म हवा आ रही है, सर्दी तो नहीं लग रही यार, इतनी भी नहीं सर्दी। तो यहाँ से दोस्तों व्यू देखें, अभी आप व्यू चेक करें यार, लॉस एंजलिस का व्यू चेक करें। ये है फ्यूचर दोस्तों, अमेरिका फ्यूचर है। खड़ा हो गया। तो दोस्तों इस तरह के यानी 4 बंदों के भी होते हैं, 8 बंदों के भी होते हैं, और जितने ज़्यादा यानी गेस्ट होंगे उतना ज़्यादा यानी सस्ता मिलेगा आपको। तो अभी मैंने 4 वाला बुक किया क्योंकि 4 में ज़्यादातर लोग होते नहीं हैं, यानी अगर 8 वाला करोगे तो उसमें ज़्यादा लोग होते हैं, 4 में काम नहीं। अभी 1-2 बंदा और आ जाएगा मेरे ख्याल से, अभी तो मैं अकेला हूँ, बाकी पता नहीं अभी किसी ने रिजर्वेशन की है कि नहीं की। दोस्तों ये हॉस्टल का नाम है फ्री हैंड हॉस्टल, और ये बिल्कुल डाउनटाउन के बीच में ही है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, यानी कितना ज़बरदस्त व्यू है, मुझे तो व्यू का मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों अभी थोड़ा रिलैक्स करते हैं, यानी 2.5 घंटे की मेरी फ़्लाइट थी और 3 घंटे मुझे इधर आने पे लग गए, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ की है तो जिस वजह से यानी इतना टाइम लग गया। और ये हॉस्टल भी बड़ा ज़बरदस्त यार, इतना बहुत बड़ा हॉस्टल है, मैंने बाहर से आपको दिखाया नहीं, अभी बाहर से चल कर भी मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा एक बिल्डिंग का व्यू लेता हूँ। काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है और 13वां फ्लोर उसने मुझे दे दिया, बिल्कुल रूफ पे पहुँचा दिया। और यहाँ एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ स्विमिंग पूल भी है, तो उधर भी जाएंगे। कार्ड पता नहीं उसने मुझे दे दिया था कि नहीं दिया था यार, पैसे ज़्यादा ही ना काट ले सारा। और वाईफाई का तो मैंने उससे पूछा ही नहीं कि वाईफाई की तरह यार, वाईफाई का पासवर्ड भी पूछ कर आते हैं, इधर नहीं लिखा हुआ कि यह दोस्तों कार्ड एक लॉस एंजलिस का, यहाँ एक उल्लू बनाया हुआ है, ये फ्री हैंड हॉस्टल है दोस्तों। ये है, मैं आपको एड्रेस भी शेयर कर दूँ आप लोग के साथ। सस्ता पड़ता है यानी 60-70 डॉलर में, यानी एक अच्छा, अगर आप जल्दी रिजर्वेशन करोगे तो 30-40 डॉलर में आपको मिल जाएगा यानी ये कमरा। अगर 8 बंदों के साथ रहोगे तो 25-30 डॉलर में मिल जाएगा, यानी बहुत सस्ता है। यानी ये है सोलो ट्रैवलिंग के लिए, सोलो ट्रैवलर जो होते हैं मेरे जैसे फ्री बंदे, जो फ्री लांसर होते हैं जिनका लोगों को पता ही नहीं होता वो काम क्या करते हैं। तो दोस्तों ये बेस्ट है सोलो ट्रैवलर के लिए, सस्ता भी है और इससे और भी सस्ते हैं यानी, लेकिन ये वाला यानी थोड़ा उनकी क्वालिटी में, हाई क्वालिटी में आ जाता है। और फ्री हैंड यानी शिकागो में भी है, वहाँ भी मैं आपको लेकर गया था, इसी की ब्रांच है, यानी काफ़ी बड़ी कंपनी है ये। मैं तो यानी हॉस्टल्स में ही रहा हूँ, यानी यूरोप मैंने सारा यानी एक्सप्लोर किया हुआ है। बहुत ही कम टाइम यानी मैं होटल में बुक करता हूँ, यानी 500-600 डॉलर वाला पर नाइट। तो अभी मैंने ज़रूरत नहीं समझी आप लोगों के लिए, मैं इस हॉस्टल में आया हूँ, नहीं तो यानी मैंने होटल ही बुक करना था अभी, जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए कि आपके पास अगर पैसे कम है तो आप किस तरह ट्रैवलिंग कर सकते हैं। आप इस तरह यानी हॉस्टल्स में आके रह सकते हैं, 8 बंदों वाले में रह सकते हैं। मैंने तो आपके लिए 4 बंदों वाला किया, तो आपके पास अगर पैसे कम है तो आप 8 बंदों वाला कर लें, 12 बंदों वाला कर लें, तो उसके चार्जेस पर नाइट के 25-30 डॉलर ही होंगे। लेकिन ये ज़रा अगर अच्छी क्वालिटी में जाते जाएंगे तो थोड़े पैसे बढ़ते जाएंगे, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना बजट है आपका ना। तो हम तो अपना बजट का हिसाब नहीं रखते, बाहर निकल पड़ते हैं, बैग उठाया और निकल पड़े, और अपना है ही क्या, यानी कपड़े वगैरह भी अगर लेने हो तो वहीं जाकर ही लेते हैं यानी। तो अपना दो सिंपल सा फंडा है यानी, कोई इतना टेंशन ना लेते हैं ना देते हैं ना।
ना किसी को उंगली देते हैं और ना कोई हमें उंगली देता है। वीलॉग बनाकर आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेटिव चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, यानी आप लोगों को भी पता चले यानी अमेरिका में आप आकर किस तरह ट्रैवलिंग कर सकते हैं, सोलो ट्रैवलिंग। अपनी कंपनी में इंजॉय करता हूँ, यानी तो ये ताले का पासवर्ड पता नहीं क्या रखा था यार, मैंने भूल गया हूँ मैं, जो पता नहीं क्या था, 00 लगाया, लग नहीं रहा। तो दोस्तों वो तो खुला नहीं, वो दूसरे वाला नंबर वाला, तो फिर मैं ये भी था मेरे पास, तो ये लगा दिया। जैसा कि आपको पता अभी मैं पहुँचा हूँ और अभी मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, तो इसलिए मैं कुछ खाने के लिए ढूँढ रहा हूँ अभी। तो 10 बज गई हैं, शॉप्स वगैरह बंद हो गई हैं मेरे ख्याल से ज़्यादातर। दोस्तों अभी मुझे एक ये शॉप मिली है यार, हलाल लग रही। तो दोस्तों अभी मैं इधर बैठा हूँ, खाने का इंतज़ार कर रहा हूँ, वो अंदर खाना बना रहे हैं। देखिए हलाल शॉप मिल गई है मुझे, शवारमा ऑर्डर किया, देखो अभी शवारमा कैसा बनाते हैं। यार बना रहे बहुत भूख लग गई है। ये दोस्तों ये अपना ऑर्डर लग रहा है, यहाँ से आपको दिखा दें। लो जी दोस्तों खाना आ चुका है यार, शवारमा की प्लेट आ गई है, नाल ब्रेड गरम करते ना बंदे ने, तो बस शुरू करते हैं यार, बहुत भूख लगी। जरा पीछे रखिए, खाइए दोस्तों भूख लगी हुई है, हर चीज़ मज़ेदार लग रही है, बस खाई जो अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह तो पड़े नहीं यार। मसाले तो है कोई नहीं, बट फिर भी सही लग रहा, चंगा लग रहा है क्योंकि भूख लगी।
तो दोस्तों ये भी वीलॉग का इख्तिताम यही करते हैं। अगर आपको हमारे वीलॉग पसंद आ रहे हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। काम वगैरह हो गया, शुक्र है, अभी थोड़ा सुकून हुआ, भूखे पेट नहीं घुमा जाता मेरे से। तो अभी खाना वगैरह खा लिया, अभी थोड़ा घूम सकते हैं हम, बट कमरे में चल के सोते हैं यार, रेस्ट मारते हैं आज। आज ही तो पहुँचे हैं लॉस एंजेलिस। जगह तो अच्छी लग रही है, क्वाइट है डाउनटाउन। रेस्टोरेंट के सामने मैंने एक क्लब देखा था, पब था, क्लब था, पता नहीं क्या था, बट उसे एक्सप्लोर करें देख। चलो यार चलते हैं अपने लिफ्ट, बटन प्रेस करता हूँ, ऊपर जाना है अपना हिस्टोरिकल है, मैक्सिमम 6 पीपल। तो यहाँ से दोस्तों ये मैंने प्रेस कर दिया, अगर ऊपर जाना हो तो दोस्तों ऊपर वाला प्रेस करना है, नीचे जाना है तो नीचे वाला। ये आता है कि नहीं आता, वही चलता है ऐसे, वैसे पैसे ही लगा दिया मैंने। ये दोस्तों लिफ्ट आ गई है, यहाँ से कार्ड लगा देंगे। 1 13 लास्ट वाला फ्लोर दिए यार, 13 फ्लोर है। 10th floor. Going up. आते हैं, मैं 13वें फ्लोर पर आ गया हूँ, फिर मैंने कहा चलो ऊपर रूफ पर चलते हैं, रूफ देख कर आते हैं, क्योंकि मोबाइल की बैटरी भी ख़त्म होने वाली है। उम्मीद है कि ऊपर, उम्मीद है कि 5-10 मिनट निकाल देगी। दोस्तों ये तो रूफ पर कैफे आएगी, तो यहाँ से आपको दिखाते हैं बिल्डिंग्स यार। ये देखो लॉस एंजेलिस की बिल्डिंग्स, डाउनटाउन की।